गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर करंट अफेयर्स हम लेकर हाजिर हुए हैं और तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ना सिर्फ करंट अफेयर्स के बल्कि थोड़ा सा जीके के सवाल हैं, थोड़े से पुराने सब्जेक्ट से, मतलब पुराने चीजों से, करंट से जुड़ा हुआ है, पुराना करंट से, जो कि आपको हाल फिलहाल में जीएस से पूछा जा सकता है। तो दो तीन चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं जो आप छोटी बातें मिस कर देते हो, तो उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो पीसीएस वाला करंट अफेयर्स। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और जो मैं सवाल पूछूंगा आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देना होगा। ठीक है, बाकी जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम वगैरह में डाल देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ तो पीसीएस गुरुजी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाकर देख सकते हो। तो पहला सवाल, उससे पहले ऑनलाइन कोर्स पर करंट अफेयर्स जो है, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी और मुकम्मल तरीके से कर सको तो ऑनलाइन कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं मात्र 999 रुपए में और इसके लिए आप 9919521555 पर आप कॉल करके इस करंट अफेयर से कोर्स की को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल, वेयर डिड इंडिया टेस्ट ए न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि प्राइम ऑफ द कोस्ट। भारत ने तट से दूर नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का प्रशिक्षण कहां किया। अब पहला सवाल तो मेरे दिमाग में आता है, ये तो चलो ठीक है, इस तो हम पढ़ेंगे कहां किया, लेकिन दूसरा सवाल आता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है क्या, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल से किस तरह अलग है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स में क्या फर्क है, हिंदुस्तान में कितने प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हिंदुस्तान में कितने प्रकार की के क्रूज मिसाइल्स हैं, ये सब इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको देखते हैं करंट अफेयर्स का कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम जो है वो कहां से हुई। तो आपको सबको पता है कि ए उड़ीसा से, उड़ीसा से ये जो है इसको लॉन्च किया, उड़ीसा के कोस्ट से लॉन्च किया गया। ठीक है, जो कि लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है, ये 1000 से 2000 किलोमीटर की है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, सरफेस सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एग्जाम में पूछा गया था भैया कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है, कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये सवाल पीसीएस प्री में पूछा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हो। तो पहले तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल पढ़नी है और अभी पढ़ना है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, अभी मैं बताऊंगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है क्योंकि इसके साथ क्रूज मिसाइल का पढ़ लेंगे। साथ में आपको ये पढ़ना है कि अग्नि प्राइम की जो रेंज है वो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। अब अग्नि के कई वेरिएंट्स हैं, अग्नि 1, 2, 3, 5 ये सब अग्नि के वेरिएंट्स हैं, वो भी पढ़ेंगे कि उनकी क्या रेंजेस हैं, सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा मिसाइल्स के ऊपर पढ़ना है, ये करंट अफेयर्स भी आता है और थोड़ा जीके के संबंधित सवाल भी है जो लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जाके जानते हैं। पहला तो हम अग्नि की रेंज देखते हैं। देखिए अग्नि से मैंने कहा कि अग्नि वन जो है लगभग 700 किलोमीटर है। मैं जो पढ़ता था, मैं याद करने का तरीका मेरा था कि अग्नि 1, 2, 3, 4 है तो 1 का मतलब 1000 किलोमीटर, 2 का मतलब 2000 किलोमीटर, 3 का मतलब 3000 किलोमीटर। ये एक मोटा मोटा रेंज देखिए कि अग्नि 1 जो 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 3000 किलोमीटर है, अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर है। तो ये इस तरह याद कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है आपको। ठीक है, अच्छा ये पहले अब सवाल बनता है कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल है, ये आपका आता है कि इंडिया में कौन कौन सी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और यहां पर कई नाम आएंगे आपको, ये देखना है। पहला है प्रहार, जिसकी रेंज है लगभग 1500 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। फिर आपका दूसरा आता है पृथ्वी, ठीक है, 350 किलोमीटर। फिर आपकी आती है अग्नि, ठीक है, अग्नि के जितने भी वेरिएंट्स हैं। फिर आपका अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये सब किलोमीटर ये हैं। ये कौन सी हैं? बैलिस्टिक मिसाइल हैं। लेकिन सिर्फ यहां पर दो मिसाइल ऐसी हैं जो कि क्रूज मिसाइल हैं। कौन सी? ब्रह्मोस और दूसरा है निर्भया, जिसकी 800 किलोमीटर निर्भया की है और ब्रह्मोस की 300 किलोमीटर है। ठीक है, समझने वाले। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, दो तरह की मिसाइल्स होती हैं। कुछ हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कुछ हमारे पास क्रूज मिसाइल्स हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स में कौन कौन सी हैं? प्रहार है, पृथ्वी है, अग्नि है, अग्नि की 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और क्रूज मिसाइल में आपका ब्रह्मोस और निर्भया, ये आपकी है बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल। अब देखते हैं कि इनका जैसे 9 नंबर पे है तो अग्नि 5 जो है वो लगभग पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। तो अग्नि 5 जो है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। क्या मतलब, ये 9 नंबर देख रहे हैं आप,
ये 9 नंबर कितना एरिया कवर कर रहा है, तो ये लगभग 5000 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो यूरोप तक में मार्क कर रहा है। तो अग्नि 5 आपका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, कहते हैं ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है, तो यहां से छूटेगा तो यहां तक जा सकता है। तो अग्नि 5 आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं सवाल, ये भैया ये बताइए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दो तरह की चीजें होती हैं आपका, एक बैलिस्टिक है, क्रूज है। जो क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको छोड़ते आप छोड़ेंगे तो पहले ये ऊपर जाता है, ऐसे दिवाली का होकर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये यहां से फ्री फॉल करता है यहां पर, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने टारगेट को हिट करता है, अपने टारगेट को ये हिट करता है, फ्री फॉल करता है, टारगेट करता है। क्रूज मिसाइल क्या होता है, ऊपर नहीं आता है, ये नीचे 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 ही ट्रेवल करता है और जाकर यहां पे मारता है, इसे कहते हैं क्रूज मिसाइल। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल अमूमन ज्यादा दूरी कवर करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल करते हैं, क्योंकि यहां तक दूर तक जाएंगे और फिर ये ग्रेविटी के इसमें आकर करेगा। क्रूज मिसाइल नीचे ट्रेवल करता है, कम दूरी तक मार करता है और वहां जाएगा। तो हमारा क्रूज मिसाइल कौन सी थी, आपकी ब्रह्मोस्ती और आपका था निर्भया, ठीक है, ये है। तो क्रूज और आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का आपने फर्क देख लिया। सवाल नंबर 2, व्हिच स्टेट हैज वॉन द टॉप ऑनर फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, फिर रिपीट कर रहे हैं, 2021 का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश आपका। उत्तर प्रदेश हैज बैग द टॉप ऑनर फॉर फर्स्ट प्राइज इन द PMYU अवार्ड इन 2021 अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी, बाद में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आया है। यू फॉर अर्बन है और इसको कौन कर रहे हैं, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में ये हुआ, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में हुआ ये, ठीक है, अच्छा ये PMYU का ही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश को मिल गया आपका अवार्ड। Which country approved the commercial cultivation of genetically modified Indian mustard species Brassica junicea, ठीक है, Brassica junkia यहां लिखा हुआ है, इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, या तो Brassica junkia पढ़ लीजिए, Brassica junkia ये, तो किसी कंट्री ने कॉमर्शियल कल्टिवेशन की बात की है जो कि GM क्रॉप है इंडियन मस्टर्ड यानी सरसों का। अब यहां पर 2-3 सवाल आते हैं, पहला तो समझे कि GM क्रॉप क्या होती है, मैंने पहले वाले बता चुका हूं कि अगर दो DNA हैं यानी दो प्लांट हैं तो इनके जीन्स को निकाल के दूसरे जीन्स में ट्रांसफर कर देने से जो नई वाली प्रजाति बनती है वो उसके अंदर दोनों ही तरह के उसके गुण आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अभी हमें यह नहीं पता कि जो हमें ये प्रोडक्शन दे रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या पता जो हम नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं इसका दुष्प्रभाव हो जाए और लॉन्ग टर्म में एक बड़ी बीमारी हमें देखने को मिल जाए। तो अभी तक हमें ज्यादा लंबा रेंज का पता नहीं है कि बीमारी किस तरह हो सकती है, क्या असर डाल सकता है, अभी इतनी रिसर्च हुई नहीं है। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बात करते हैं तो इसमें एक चीज रहता है कि चूंकि हमारे देश में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो खेत में सब उगाते हैं कुछ हिस्सा तो खा लेते हैं, कुछ बेच देते हैं, कुछ हिस्सा रख देते हैं कि अगले साल उसको इनको बीज के रूप में काम करना है। लेकिन जब आप कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं तो अगर ये आपका जिस तरह से Brassica junkia आया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, तो कंपनीज आ जाएंगी और कंपनी हर कंपनी से सीड्स आपको खरीदने पड़ेंगे और हर साल खरीदने पड़ेंगे, और नहीं मतलब एक तरह से कंपनी की मोनोपोलियो रहती है, कंपनी के कंट्रोल में आप आ जाते हो, ये ड्रॉबैक इकोनॉमिकली ड्रॉबैक रहता है। लेकिन फिलहाल किस कंट्री ने बोला है दिया है, वो ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है कि इंडियन मस्टर्ड Brassica ने यानी कि उसको जो है वैरायटी को Brassica junkia को क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की सरसों इसको कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड, किस देश ने ऐसी वैक्सीन निकाली है जो बिना इंजेक्शन के सिर्फ सूंघ के वैक्सीनेशन उसका हो जाए, तो ये कंट्री जो है वो है चाइना ने
चाइना ने इस इनहेलेबल वैक्सीन कोविड के लिए निकाली है, सूंघ के आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप कितना इफेक्टिव है ये नहीं पता भी, लेकिन निकाल दिए, इंजेक्शन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सूंघोगे और हो जाएगा, इफेक्टिवनेस पक्के बारे पता नहीं है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो मुझसे दो सवाल यहां पर आते हैं। पहला सवाल है कि इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है। तो इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का नाम है इंद्रधनुष, धनुष मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष आप देख रहे हो, इसमें आप चूंकि इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं तो 7 बीमारियों को पकड़ा है, ठीक है। कौन से? मीजल्स है, पोलियो, प्रोटीरियस, टिटनेस, टीबी, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी। तो ये है मिशन इंद्रधनुष, इसमें 7 बीमारियों को रोका गया है, मीजल्स, पोलियो, प्रोटीरियस, टिटनेस, टीबी, डिप्थेरिया या क्या नाम है, हेपेटाइटिस बी। अब इसमें वूपिंग कफ और बीमारी ये सब कवर नहीं की गई। तो ये क्या है? मिशन इंद्रधनुष। सेम इसी नाम से एक और चीज आती है, वो आती है आपका इंद्रधनुष के जो कि बैंक से जुड़ा हुआ आता है। किससे आता है? बैंक से जुड़ के आता है, ठीक है, बैंक से। तो ये तो मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष नाम से दो चीज चलती हैं। एक है मिशन इंद्रधनुष जिसमें वैक्सीनेशन की बात आती है, और जो इंद्रधनुष प्रोजेक्ट है यानी इंद्रधनुष वाला जो प्रोजेक्ट है, ये 7 पिलर्स है, 7 बातें बोली गई जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए है। क्या? बीबीबी। फर्स्ट क्या है? एजेंसी अंडर फॉर्मर कैग विनोद राय सेटअप बट रूल लिमिटेड, यानी कि जो बैंक बोर्ड है उसकी हम बात करते हैं। कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो फंड करती है बैंकों को वो इनएडिक्वेट है और इस कारण से एनपीए बढ़ रहा है। फिर है डिस्ट्रेसिंग, मोर स्ट्रेस ड्यू टू आरबीआई डिक्टेट ऑन प्रोविजनिंग, यानी कि पैनल अंडर फॉर्मर सीवीसी प्रदीप कुमार टू हेल्प इन सेटलिंग डाउन बैड डेट, बैड डेट के लिए जो है पैनल बनाया गया। अपॉइंटमेंट्स, जो कि बोर्ड में बैंक के बोर्डों में अपॉइंटमेंट होते हैं उनकी वैक्सीन के लिए पॉलिसी ठीक से बने। गवर्नेंस, वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो डे टू डे ऑपरेशन में, ना हो पॉलिसीज बनाने में हो तो ठीक है। एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्प बैंक्स जो है, वो बैंकर जो है बिजी रहें और अकाउंटेबिलिटी भी अपनी सेट करें। ये क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये मेंस में भी आपके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेंस में आ जाएगा। प्रोजेक्ट इंद्रधनुष है इस तरह कि बैंक से संबंधित चीजें क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें आपका बैंक बोर्ड की बात करता है, ये कैपिटलाइजेशन की बात करता है, पैसे की बात करता है, डिस्ट्रेसिंग की बात करता है, अपॉइंटमेंट्स की बात करता है, गवर्नेंस की बात करता है, एम्पावरमेंट की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। तो ये है इंद्रधनुष के नाम पे है, मिशन इंद्रधनुष वैक्सीन का नेशन है और ये बैंक के ऊपर बात करता है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2022 में का जो है वो कहां पे हो रहा है? वो होगा मध्य प्रदेश में, यानी 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 8 सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए होगा ये, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं ये 4-5 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आराम से पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए, ज्यादा इधर उधर की भागने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे सफलता मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।